क्या बात है, गाड़ी क्यों नहीं चलाना यार? नींद आ रही है यार, चला यार गाड़ी। लेकिन इंसान का बच्चा मैंने गाड़ी चलानी है भाई, मुखालफा आया मैंने नहीं पे करना। कर लेंगे इंशाल्लाह। ओके डन हो गया। Look at this dude. Wait till you see the. No. Look at the top of his head. Hello, assalamu alaikum, and welcome to another episode. और आज जो मैं आप लोगों को सऊदी अरब का सिस्टम दिखाऊंगा वो है ट्रैफिक सिस्टम, जो कि बहुत ही एडवांस और बहुत ही अफेक्टिव सिस्टम है। और ये सिस्टम और ये ट्रैफिक कंट्रोल हर उस बंदे पे इम्प्लीमेंट होता है जो रोड पे अवेलेबल है, इवन कि वो पुलिस हो, एम्बुलेंसेस हो या कोई इमरजेंसी व्हीकल्स हों, उन सब पे इम्प्लीमेंट होता है। और उनकी वायलेशंस इन सबको आती हैं, लेकिन ये जो लॉ इन्फोर्समेंट है या फिर जो एम्बुलेंसेस वगैरह हैं, जो इमरजेंसी के व्हीकल्स हैं, इनको वापस जाके अपने डिपार्टमेंट में जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है कि आपने ये वायलेशन क्यों की। फिर जाके वो उन लॉ इन्फोर्समेंट या इमरजेंसी व्हीकल्स का जो फाइन है वो रिमूव होता है। ये इस वजह से है ताकि कोई भी आदमी अपने पावर का नाजायज़ इस्तेमाल ना कर सके। ट्रैफिक वायलेशंस सऊदी अरब के अंदर 100 रियाल से लेके 60,000 रियाल तक है। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, इफ़ यू वांट टू रिव्यू आप उसको जाकर देख सकते हैं कि वायलेशन किस किस तरीके से हैं। और जितने भी ये वायलेशंस आती हैं, ये सारी की सारी आपके अपशर अकाउंट में एक्टिवेट होती हैं, और ये सारी की सारी वायलेशन आप अपशर से ही पे करते हैं। इस पर डिटेल वीडियो मैं बना चुका हूँ, अगर आपको मालूम चाहिए कि अपशर अकाउंट क्या होता है तो आप मेरी वो अपशर की वीडियो देख सकते हैं, इनका ऑप्शन सिस्टम। और ये जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये ट्रैफिक वायलेशंस का कैमरा नंबर 1 है, जो कि सीट बेल्ट्स और ड्राइवर के हाथ में जो मोबाइल फ़ोन्स हैं या फिर खाने की चीज़ है, ये उसको मॉनिटर करते हैं। ये जो सेकंड नंबर पे आपने कैमरा देखा है, ये कैमरा स्पीड का है। और इसी तरीके से ये कैमरा आपको जो उनसे हैं एक क्रॉसिंग पे, सिग्नल्स पे आपको 2 से लेके 12 कैमरे तक मिल सकते हैं, कि वो हर एंगल से, हर तरफ से गाड़ी को कवर करते हैं कि किसने कौन सी वायलेशन की है। और वायलेशन जितनी भी यहाँ पे होती हैं, उनके चार्जेस, उनके फाइंस डिपेंड करते हैं कि वो वायलेशन जो उनसी है वो कितनी डेंजरस नोयत की है। लाइक जो वायलेशन हुई है, वो वायलेशन की वजह से आपकी जान को या आपके साथ रोड पे फिरने वाले लोगों की जान को कितना ख़तरे में डाल सकती है, उसके हिसाब से ये वायलेशन है। लाइक फॉर एग्जांपल सीट बेल्ट के अगर वायलेशन है वो 150 रियाल की है, जैसे कि आप ये कैमरे में देख रहे हैं, सीट बेल्ट और आपके अगर हाथ में कोई हैंड हेल्ड डिवाइसेस हैं या आप कोई चीज़ खा रहे हैं या आप कोई चीज़ पी रहे हैं, तो ये फाइन्स जो उनसे हैं वो आपको इस तरीके से मिलते हैं। अगर आप ये ट्रैफिक सिग्नल अगर आप ब्रेक करते हैं, अगर आप ट्रैफिक सिग्नल जंप करते हैं, तो उसके ऊपर जो फ़ाइन है वो 3,000 रियाल से लेके 6,000 रियाल तक का फ़ाइन है, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। और इसके साथ साथ आपको जेल भी है, 3 दिन की जेल है। अगर आप फ़ाइन पे नहीं करते तो वो फ़ाइन 1 महीने के बाद डबल हो जाता है, और अगर आप फिर भी पे नहीं करते तो आपके पास ना तो कोई पुलिस वाला आपको अरेस्ट करने आएगा, ना ही आपको कोई तंग करने आएगा। इनका मानना यह है कि आप कभी ना कभी तो इनके हाथ पे आओगे और आप इनको फ़ाइन पे करना पड़ेगा। और ये कैमरास ना सिर्फ वायलेशंस को रिकॉर्ड करता है, बल्कि नंबर ऑफ़ कार्स को भी रिकॉर्ड करता है कि कौन सी गाड़ी कब गुजरी, उसका नंबर प्लेट क्या है, और इस एरिया में, स्पेसिफिक एरिया में ट्रैफिक जोन सी है उसकी क्या कंडीशन, किस टाइम पर होता है पीक आवर्स और किस टाइम पर होता है लो आवर, वो हर चीज़ रिकॉर्ड करता है। इससे इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर इन्होंने किसी गाड़ी को ट्रेस आउट करना है तो उसकी लास्ट लोकेशन इनको बहुत जल्दी से पता चल जाती है कि ये इनकी लास्ट लोकेशन है और ये गाड़ी लास्ट टाइम दूसरे इस एरिया में
देखे गए। इसके अलावा इनके बहुत से सिविलियन कैमरास भी हैं जो कि ऐसे ही उन्होंने इंस्टॉल किए हुए हैं कि आपको पता भी नहीं चलता, और इनके सिविलियंस कैमरास जो उनसे हैं वो हर जगह पर इंस्टॉल होते हैं, और यू आर वेरी वेल रिकॉर्डेड, योर एवरी मोमेंट इज़ रिकॉर्डेड, और जो कि एक बहुत हेल्पफुल है। इसी वजह से यहाँ पे क्राइम रेट्स भी जो उनसे हैं वो बहुत कम हैं, लेकिन ना होने के बराबर हैं। एक तो सज़ा और जजा का यहाँ पे बहुत फ़ायदा है, और दूसरा अगर कोई जुर्म कर भी लेता है तो इसको बहुत ही कम टाइम के अंदर उसको ये पकड़ लेते हैं। और इन दी एंड, इन द लास्ट, मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाना चाहता हूँ, वो ये है कि यहाँ के स्पीड ब्रेकर्स, यहाँ के स्पीड ब्रेकर्स जो उनसे हैं वो लिटरली स्पीड ब्रेकर्स हैं जो कि आपकी गाड़ी की स्पीड को ब्रेक करते हैं, ना कि आपकी गाड़ी को ब्रेक करते हैं। और इन स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर पेडेस्ट्रियंस के लिए ज़ीब्रा क्रॉसिंग भी बनाई होती है कि अगर किसी ने इस रोड को क्रॉस करना है बाय रोड तो वो ज़ीब्रा क्रॉसिंग से करेगा, दूसरे किसी जगह से उसको क्रॉसिंग नहीं कर सकता। और इन केस ऑफ एक्सीडेंट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन एक्ट्स। और ये थी आज की वीडियो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगी होगी, और मैं चाहता हूँ कि ऐसा सिस्टम पाकिस्तान में भी इम्प्लीमेंट हो ताकि हम आवाम को भी कुछ फ़ायदा हो और जो लोग इसको मिसयूज़ करते हैं वो भी इसको मिसयूज़ ना कर पाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, और एक ओवरसीज़ का नया निज़ाम आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।